फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में इसका विशेष उपयोग हुआ और बहुत से लोगों को इसके द्वारा सिरोच्छेद करके मारा गया। इस यंत्र का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया है। यह दो खंभों के बीच लटकता आरेख गड़ांसा वाला यंत्र है। जिस व्यक्ति का सिरोच्छेद करना होता था उसके गर्दन को गड़ासे के सीधे नीचे रखा जाता है। ऊंचाई से एक भारी चीज आकर गड़ासे के ऊपर टक्कर मारती है जिससे व्यक्ति का सिर तुरंत कटकर अलग हो जाता है और एक टोकरी में गिर जाता है। गिलोटिन नाम का ये यंत्र फ्रांस में तैयार किया गया था। 19वीं सदी में ये यूरोप में काफी प्रचलित था। यूरोप के देशों में कई सालों तक इस पारंपरिक तरीका का इस्तेमाल अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। फ्रांस में तो अभी करीब 40 साल पहले तक इसी तरीके से मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। आखिरी बार फ्रांस में 10 सितंबर 1977 में इस पारंपरिक तरीके से डेथ पनिशमेंट दी गई। साल 1981 के बाद फ्रांस में मृत्युदंड ही बंद हो गया था, इसलिए ये तरीका भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूरोप के दूसरे देश तो सालों पहले